वेलकम बैक टू बंधारण अकेडमी आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में सो सिक्स क्वेश्चन है फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन डो नो कार्टेशियन इक्वेशन सो बेसिकली कार्टेशियन इक्वेशन का मतलब होता है जो एक्स वाई और जेड के फॉर्म में आता है विच पासिस थ्रू द पॉइंट दिस वन दिस इज बेसिकली ए बार एंड पैरल टू लाइन दिस वन विच इज नथिंग बट द कंपोनेंट्स ऑफ बी बार सो गैज आपको ए बार बी बार पता है आई होप आप आगे कर लोगे तो इसको करने के मल्टीपल वेज है बताओ आपको कौन सी मेथड चाहिए सी वन इज द डायरेक्ट मेथड चलिए मैं आपको डायरेक्ट मेथड बताता हूँ डायरेक्ट मेथड से कैसा होगा सो इट इट इज पासिंग थ्रू ए ना तो ऊपर वैसे इक्वेशन बनता है एक्स माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन एंड देन जेड माइनस जेड वन ठीक है और नीचे आता है ए बी सी इस so, ये हमारी जो लाइन है इसके पैरल है तो ये कंपोनेंट्स में मुझे इंटरेस्ट है दैट इज थ्री फाइव सिक्स तो नीचे आ जाएगा थ्री फाइव सिक्स एक्स माइनस वाई माइनस सो इट इज एक्स माइनस माइनस टू वाई माइनस फोर जेड माइनस माइनस फाइव सो बस हो गया दिस अ कार्टेशियन फॉर्म दूसरी मैथड लेंदी आप मतलब आप क्या करो क्वेश्चन को आप लिखो आर बार इज इक्वल्स टू ए बार प्लस लेबना टाइम्स ऑफ बी बार और आर बार को एक्स आई कैप वाई जे कैप एंड देन जेड के कैप में फॉर्म में लिखो फिर कन्वर्ट करो दैट्स क्वाइट लेंदी सो इट्स नॉट प्रेफरेबल ठीक है प्रेफरेबल नहीं है तो, तो उसको मैं नहीं बताता हूँ चलिए आगे की यात्रा शुरू करते हैं फाइंड द कार्टेशन इक्वेशन ऑफ लाइन इन वैक्टर फॉर्म सो इज देर आर मल्टीपल वेज टू राइट इट बस द फास्टेस्ट मेथड इज नीचे वाले जो है न वो डिरेक्शन रेशियोज बताते हैं डिरेक्शन रेशियोज मतलब बी बार और ऊपर वाली जो वैल्यूज़ है ना दिस इज द ऊपर वाली इज वैल्यूज दे आर डिनोटिंग वॉट ए बार क्लियर सो वेक्टर फॉर्म में लिखना है सो आर बार इज इक्वल्स टू ए बार प्लस लैमडा टाइम्स बी बार सो बेसिकली आर बार इज इक्वल टू ए बार ए ए क्या आएगा फाइव आई कैप माइनस फोर जे कैप सिक्स के कैप प्लस लैमडा टाइम्स ऑफ बी बार कैसे आ जाएगा थ्री आई कैप सेवन जे कैब टू के सै आपने देखा मेरी मैथड्स बहुत ही सिंपल है आपका आंसर बहुत ही फटाफट आते जाएगा तो अब अब तक अपन ने क्या क्या सीखा है मैं थोड़ा सा क्विक रिकैप कर लेता हूँ पहले हमने देखा कि एल वन एल टू एम वन एम टू एन वन एम टू ए वन ए टू बी ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू सी वन अपॉन जो ये देखा अपन ने और वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन देखा अगला है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन दैट कार्टेस थ्रू ओरिजन एंड दिस वन सो गाइस देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है आपके सामने अपने को क्या चाहिए वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन चाहिए जो ओरिजिन से पास हो रहा है और इससे पास हो रहा है ओरिजिन को बेसिकली मैं जीरो 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 कह सकता हूं सो गाइज देर इज अ फॉर्मूला फॉर्मूला है वैक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए बार एंड बी बार तो ए और बी नाम के दो प्राणियों से यह गुजर के जा रहा है ठीक है सो फॉर्मूला है वेक्टर का आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैमडा टाइम्स ऑफ बी माइनस ए सो अल्टीमेटली वैल्यू उठा के पटकना आपके हाथ में है सो ज़ीरो आई कैप जीरो जे कैप जीरो के कैप सो ज़ीरो हो जाएगा ये सो बी माइनस ए क्या आ जाएगा फाइव आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप ठीक है ख़त्म फिनिश ओवर सो ये था हमारा कार्टेशियन नहीं ना यारे तो वो फॉर्मेट है अपना वेक्टर फॉर्म है व्हाट अबाउट कार्टेशियन में इधर लिख दो इधर छोटी सी जगह में लिख सकते हैं इसको सो क्या कार्टेशियन में कैसे आएगा पासिंग थ्रू दो पॉइंट्स हैं आप किसी भी एक को पकड़ लो समझ so, लो ये पासिंग थ्रू है या इसको ले लो या इसको ले लो किसी भी एक को लो दोनों वैलिड है दिस इज एक्स माइनस जीरो वाई माइनस ज़ीरो एंड देन जेड माइनस ज़ीरो ठीक है ज़ीरो 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 आ जाएगा नीचे आ जाएंगे डायरेक्शन रेशियोज फाइव माइनस टू थ्री डायरेक्शन रेशोस कैसे मिलते हैं डायरेक्शन रेशियोज आर ए बी सी विच इज नथिंग बट एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन एंड देन जेड टू माइनस जेड वन सो प्लीज अ नोट ऑफ इट Find द वैक्टर एंड कार्टेशन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस points. ठीक है पहले तो अपन कार्टेशन इक्वेशन निकालते हैं दिस इज एक्स माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन जेड माइनस नीचे आ जाता है ABC. So guys, ABC पता है आपको कैसे मिलता है आई डोंट नीड टू फुट एफ्रेड एफ एक्स टू माइनस एक्स वन जीरो ये तो जीरो आ गया यार वाई टू माइनस वाई वन ये तो जीरो आ गया हम्म कैसे हुआ ये हम्म 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 प्रॉब्लमेटिक हो गया तो नहीं तो बस uh, मुझे नहीं लगता यार ऐसी कुछ सिचुएशन होगी क्या किया है इन्होंने यार फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑन लाइन दासेस थ्रू द पॉइंट्स एक सेकेंड चेक करू क्या मैं चला चेक क्वेश्चन नंबर नाइन थ्री माइनस टू माइनस फाइव थ्री माइनस टू एंड सिक्स सो बेसिकली यही आ रहा है हम्म ऐसा ही आ रहा है यही आ रहा है सो ऊपर so क्या आ जाएगा x माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन देखिये कार्टेशियन फॉर्म है और वेक्टर फॉर्म में क्या आ जाएगा r बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैमडा टाइम्स ऑफ बी माइनस ए सो आई होप आप कर लोगे प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट प्लीज 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 हैव अ नोट ऑफ इट ठीक है आप आप ये वैल्यू उठा के प्लीज रख दोगे ना यहाँ पे क्योंकि ये ए है ये बी है और आगे की लड़ाई आप खुद लड़ लोगे इसको ए और बी लेके उठा के रखना है सो आई थिंक वैल्यू पुटिंग के काम आप कर सकते हो चलिए दोस्तों अब एक नया कॉन्सेप्ट देखते हैं फाइंड द एंगल बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन सो गाइज ये फर्स्ट इक्वेशन है और नीचे वाला सेकेंड इक्वेशन ठीक है अब इसमें एक खास चीज हो रही है कैन यू नोटिस वन स्पेशल थिंग अबाउट दिस क्वेश्चन देखो खास ये है कि आ, आपको जो इक्वेशन दे रखा है वो है आर बार इक्वल्स टू ए बार प्लस लैमडा टाइम्स ऑफ बी बार ठीक है दूसरा इक्वेशन है आर बार इक्वल्स टू ए बार प्लस लैमडा टाइम्स ऑफ बी बार अब यहाँ पे दो इक्वेशन आ गए तो ए और ए वन बी वन और ए टू बी टू हमने दो नाम दे दिए ठीक है सो बेसिकली एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइन का एक फॉर्मूला होता है सो so, आइए मैं आपको फॉर्मूला से रूबरू कराता हूँ फॉर्मूला से मिलाता हूं आपको फॉर्मूला है कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बी वन डॉट बी टू बी वन बी टू का डॉट प्रोडक्ट नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ बी वन डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ बी टू ठीक है सो बेसिकली ऊपर डाइगा डॉट प्रोडक्ट डू यू नो हाउ टू डू द डॉट प्रोडक्ट फोकस बी पे रखो बाकी लोगों से अपने को कोई लेना देना है ही नहीं ठीक है यू जस्ट फोकस ऑन बी सो थ्री वन सा थ्री एट ठीक है इसका मैग्नीट्यूड निकालो बेचारे का तो आ जाएगा चार एक एक रूट मैग्नीट्यूड निकालो बेचारे का तो आ जाएगा सोलह पच्चीस और नौ पचास गाइस कॉस थीटा की वैल्यू आ चुकी है थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ सोला अपॉन फिफ्टी को हम लिख सकते हैं क्या इस रूट टू ना जी बिल्कुल हम लिख सकते हैं फाय रूट ट्वेल्व आ जाएगा बेसिकली दिस इज़ माई फाइनल आंसर सो काफ़ी अच्छा सवाल था ये बच्चों वाला सवाल था प्लीज़ अ नोट इट अच्छा uh, कुछ लोग बोल रहे हैं कमेंट सेक्शन में इसको सिंप्लीफाई करो तो ट्वेल्व को आप फोर थ्रीजा लिख सकते हो ठीक है यू कैन राइट इट फोर थ्रीजा फिर टू को बाहर ले लो और वैसे हो सकता है बट ठीक है मैंने नहीं किया चलो ओके फर्स्ट में फर्स्ट क्वेश्चन में देखो इधर मैं क्लीन कर लेता हूँ इसको सो गैस डू रिमेंबर द फॉर्मूला फार्मूला ये था बी वन बी टू का डॉट नीचे दोनों का मैग्नीट्यूड तो so, मुझे बताओ कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी सो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट सो ऊपर आ जाएगा थ्री फोर ट्वेल्व नीचे इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा छत्तीस चार नौ पैंतालीस पैंतालीस फोर्टी नाइन आ जाएगा स्क्वायर रूट सेवन इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा चार आठ नौ इसका स्क्वायर रूट तीन और सोलह सत्रह अठारह उन्नीस उन्नीस अपॉन इक्कीस हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ थीटा खत्म मैं देखा फॉर्मूला है यार बच्चों वाले सवाल है प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट डी ए स्टूडेंट्स बिग अपडेट फॉर यू आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आई एम टीचर ऑन अन अकेडमी फॉर क्लास इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ सी बी एस ई सो डी ए स्टूडेंट आप सभी को मैं बता दूँ वहाँ पर हमने लाइव क्लासेस आपके लिए स्टार्ट की हैं फॉर क्लास इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ सी बी एस ई बोचो ये सारे कोर्सेज आपको फिजिक्स केमेस्ट्री मैथ्स बायो इंग्लिश की कंप्लीट तैयारी कराएंगे जैसे कि आप सब जानते हो अन अकेडमी प्लस पे सारे एजुकेटर आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में मिल जाते हैं अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है सारा सिलेबस कवर किया जाता है एवरी फोर्थ लेक्चर इज अ डाउट सॉल्विंग क्लासेस जहां आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जाएगी बच्चों अगर आपकी लाइव क्लासेस मिस होती हैं तो आप उन्हें फिर से अटेंड भी कर सकते हो एज यू नो दैट प्लस का सबसे अच्छा फायदा यही है कि आप घर बैठे लाइव स्टडी कर सकते हैं दूसरी बात ये जो सब्सक्रिप्शन है आपको बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट में अवेलेबल हम करा रहे हैं आपको पता होगा कि आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस तीनों के लिए बेस्ट एजुकेटर अवेलेबल है ऑन अन अकेडमी प्लस इंक्लूडिंग माई सेल्फ तो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे बहुत सारी बैचेस है जो ऑलरेडी चल रही हैं ठीक है इनको आप अटेंड कर सकते हैं साथ ही साथ सारे सिलेबस का कंप्लीट कवरेज आपको मिलेगा सो गाइज टेस्ट सीरीज भी आपको अवेलेबल होगी डाउनलोड करके रखिए आना अकेडमी ऐप ताकि आप अटेंड कर सकें लेक्चर को दूसरी बात गाइज वहां पे हमने दो प्लस सब्सक्रिप्शन रखे हैं वन इज द ओनली प्लस एंड द सेकेंड वन इज आइकॉनिक आइकॉनिक में आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिलता है एंड द प्लस इज जस्ट फॉर लाइव क्लासेस एंड टेस्ट सीरीज सो so गाइज़ आपको कूपन कोड यूज़ करना है एम ए एन डी एच ए एन विल गेट टेन परसेंट डिस्काउंट ऑन ऑल द कोर्सेस ठीक है सो so यहाँ पे अभी जो सब्सक्रिप्शन है आपको बहुत ही बढ़िया कॉस्ट पे अवेलेबल है एज यू कैन सी दैट थ्री मंथ सिक्स मंथ एंड ट्वेल्थ मंथ सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है कॉस्ट आपके सामने विजिबल है स्क्रीन पे एज यू नो दैट थ्री मंथ सब्सक्रिप्शन इज अवेलेबल फॉर फाइव एट फाइव ज़ीरो फ्टर अप्लाइंग द कूपन कोड ठीक है तो आपको एक कूपन कोड अप्लाई करना है तो आपको टेन परसेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा अच्छा बच्चो एक और चीज मैं आप सभी को बता दूं थ्री मंथ सिक्स मंथ एंड ट्वेल्थ मंथ में आप सिक्स मंथ को चूज करिए बिकॉज सिक्स मंथ आपके लिए इनफ है फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड सिक्स मंथ में आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं ठीक है रिमेंबर वन थिंग आई एम एजुकेटर ऑन अन अकेडमी फॉर क्लास इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ सी बी एस ई कुछ बच्चों को लग रहा था आई एम टीचर फॉर जेई नो बच्चा पार्टी आई एम एजुकेटर फॉर अन अकेडमी फॉर सीबीएसई कैटेगरी तो आप इस कूपन कोड को यूज करिए ताकि आपके टेन परसेंट डिस्काउंट मिल सके एंड इट्स प्रेफरेबल कि आप सिक्स मंथ चूज करिए क्योंकि सिक्स मंथ बाद आपका एग्जाम है सो सी यू गाइज मिलते हैं लाइव क्लासेस में जहां करेंगे हम जम के तैयारी So see you, take care and God bless you all.